हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने एक लॉ पढ़ा जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये होता है कि लाइट जब किसी होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल करता है तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है, लेकिन जब कोई नॉन होमोजीनियस मीडियम होता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो लाइट जो है अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है। ठीक, जब डेविएट हो जाता है तो उस केस में हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कई बार एक क्वांटिटी फाइंड करने के लिए कहा जाता है जिसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो आज हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एंगल ऑफ डेविएशन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लेंगे, है ना। कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन इज इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या होता है? इमर्जेंट रे होता है जैसे कोई लाइट रे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होगा तो कोई फेनोमेना होगा, चाहे रिफ्लेक्शन होगा चाहे रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये फेनोमेना होने के बाद जो फाइनली लाइट रे बाहर निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे, है ना। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये पहला केस है रिफ्लेक्शन वाला, है ना, कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक प्लेन मिरर दिखाया है ना, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। ठीक, ये हो गया प्लेन मिरर जो हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ है और ये येलो कलर का इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, ये है इंसिडेंट लाइट रे। तो अगर ये कहा जाए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई होना चाहिए और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है उसको एक्चुअली में जाना चाहिए था इधर, है ना, ये इधर जा रहा था लेकिन पहुंच गया इधर। ठीक है, तो इसमें ये कहेंगे कि ये एक तरह से इंसिडेंट रे था और ये जो है जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहां पर क्या फेनोमेना हुआ, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे बाहर जाएगा जैसे कि ये जा रहा है तो इसको इमर्जेंट रे कह सकते हैं, तो यही हमारा यहाँ पर इमर्जेंट रे भी है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये इमर्जेंट रे हुआ, इनके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं। जनरली एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड करेंगे, देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है ना, ये टोटल यहाँ पर ये टोटल एंगल होना चाहिए पाई, पाई में से अगर मैं ये 2i माइनस कर दूं तो ये डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो डेविएशन है उसका वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस 2i। ठीक, तो ये तो हो गया कि रिफ्लेक्शन वाले केस में कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद आते हैं रिफ्रैक्शन वाला केस में, है ना, ये जो है रिफ्रैक्शन का केस है। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि दो डिफरेंट मीडियम होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाइट लाइन दिख रहा है ये एक्चुअली में इंटरफेस हो गया, मतलब एयर और वाटर की बाउंड्री हो गई, इस इंटरफेस के ऊपर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये हो गया अपना इंसिडेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट रे है
चूंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रे जो है वो बेंड हो गया, ठीक है। चूंकि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, तो इसलिए इसको मैं रिफ्रैक्टेड रे कह सकता हूँ, है ना, रिफ्रैक्टेड रे है। और एक्चुअली में कहा जाए तो ये इमर्जेंट रे भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो घटना घट रही है, जो फिनोमेना हो रहा है वो है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे निकलेगा वो यही है जो कि हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर इमर्जेंट रे है। तो इंसिडेंट रे कौन सा, इंसिडेंट रे ये है ना, जो कि यहाँ तक जा रहा है ना। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया एक्सटेंड करके, एक्चुअली में ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, मैंने ब्लैक कलर से एक्सटेंड करके दिखाया है ना। तो ये इंसिडेंट रे है, मतलब कि इसको अगर सीधा जाता, अगर दूसरा मीडियम नहीं आता तो ऐसे जाता, लेकिन ये डेविएट हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया इतना से, तो ये एंगल जो है ये डेल्टा हो गया। ये इंसिडेंट रे था और ये इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो डेल्टा है, ठीक है। तो इस डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक। अब देखेंगे कि ये जो एंगल है टोटल यहाँ से, ये भी होना चाहिए आई इसके बराबर, तो ये जो डेल्टा होगा वो हो जाएगा आई माइनस आर, है ना। यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू आई माइनस आर निकाल सकते हैं। उसी तरह से जैसे कोई प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म में भी जो है डेविएशन होता है। जैसे ये प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर फेस है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, देखेंगे ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। अब यहाँ पर कौन सा फेनोमेना हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट जा रहा था ऐसे, यहाँ पर बेंड हो गया, ठीक है। ये जा रहा था इधर, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आगे नहीं जा रहा है, उसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है केवल लाइन दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो ये हॉरिजेंटल हो गया, उसके बाद दूसरे फेज से फिर से रिफ्रैक्शन हुआ तो इधर चले गया, तो ये इमर्जेंट रे हो गया। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट पर लाइट इंसिडेंट होता है तो जितने भी फेनोमेना होना है, चाहे रिफ्लेक्शन होना हो, चाहे रिफ्रैक्शन होना हो, चाहे दोनों होना हो, उसके बाद जो लाइट रे फाइनली बाहर निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल यहाँ पर होना चाहिए डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा की जो वैल्यू है वो मैं आगे के चैप्टर जो आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस उसमें डिराइव करवाऊंगा, है ना। यहाँ पर मैं उसको, ये प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो प्लेन मिरर में इसको ना पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पर जाकर हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। जो कि आता है आई प्लस ई माइनस ए, ए क्या होता है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। चूँकि मुझे इसको डिराइव करने के लिए बहुत सारे डेफिनेशन बताने पड़ेंगे अभी, है ना, तो इसलिए मैं अभी इसको इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, है ना। बस ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं, इसको मैं डिराइव कराऊंगा जो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता है, वो होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल।